लाहौर के राणा मोहम्मद आसिफ अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे लाहौर में ग्रैंड वीवीआईपी सहरियां कराने के हवाले से इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके हैं। एक बंदा आया, उसने अगर कह दिया ना मुझे 50 रोटी चाहिए तो आपने देनी है। कितने अफराद की सहरी करवाते हैं? 1,22,000 के करीब। इस वक्त हम मौजूद है लाल पुल में, यहाँ पर आज सहरी में क्या दिया जा रहा है, फिर इसके अलावा आपके जो लाहौर के दीगर इलाके हैं उनके बारे में बताएं, कौन कौन से इलाके और जहाँ पे आप सहरी देते हैं और आज क्या दिया जा रहा है? प्यारे भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ इधर आप देख रहे हैं आलू कोफ्ता पका हुआ है, और कल के मेन्यू में आलू चिकन है, परसों के यानी कि मुख्तलिफ मेन्यू है, रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ। एक पॉइंट ये चल रहा है, एक अंदर हमारा चल रहा है मस्किनपुरे में, और ऐसे ही गाज़ियाबाद में मोगलपुरा, मुजाहदाबाद, हरबंसपुरा, ये 20 के करीब पॉइंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर लाहौर के डिवीजन है वहाँ पर भी आपका ग्रुप है जो सहरी करवाता है, वो भी बता दें कौन कौन से इलाके? जी, ये हमारी ना मीटिंग हुई थी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से, ना खालिद सिंधु साहब ने हमें टारगेट दिया था कि भाई आपने ये खिदमत और रिलीफ का काम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में इस वक्त यही जाल बिछा हुआ है, हर इलाके की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अहतमाम किया जा रहा है सैर उफ्तार का। ठीक है, उन इलाकों के बारे में बताएँ, जौहर टाउन सदर डिवीजन है, सिटी डिवीजन है, और इसके अलावा जो दीगर डिवीजन हैं वहाँ पर उन इलाकों में आज क्या सहरी में दिया जा रहा है और वैसे क्या दिया जाता है? मेरा भाई, रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू चेंज होता है, बिलफर्ज ये PP 152 है, इसमें आज जो चल रहा है ये आलू कोफ्ता चल रहा है, और ऐसे ही शालीमार की जो दूसरी तहसीलें वगैरह बनती हैं इनके अपने अपने एक टारगेट है, मुख्तलिफ मेन्यू चलते हैं, कभी गोश्त हो गया, कभी ये दालें वगैरह हो गई, दाल गोश्त वगैरह हो गया, ऐसे चल रहे हैं। और ऐसे ही आप बात कर रहे हैं दूसरे डिवीज़न जो हैं उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह यही सूरत हाल चल रही है, मेन्यू रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, अब ये बताएं कि ये जो सहरी बनती है, ग्रैंड सहरी जिसको हम कह रहे हैं, ये तैयार किस टाइम होती है, किस तरह आप ये सहरी जो है लोगों को रोज़ा रखवाते हैं, घरों में भिजवाते हैं, ये सारा आपका सिस्टम नेटवर्क कैसे चल रहा है? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई ये काम कर रहे हैं, तकरीबन अफ्तारी के बाद सहरी का बंदोबस्त शुरू हो जाता है, और आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले इलाकों में से भाई बाल्टी वगैरह लेकर आए हुए हैं, नौजवानों की टीम मौजूद है, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर घर पहुँचा रही है, सहरियों का अहतमाम कर रही है, और जिन्होंने इधर आकर खाना होता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर सहूलत मौजूद है, और इसके अलावा जो राहगीर वगैरह आते हैं वो अपना शॉपर बैग ले आते हैं या कोई बर्तन ले आते हैं, उनके लिए भी इधर से खुला अहतमाम किया जाता है। जो आपके खाने बनते हैं, पकाने वाले कौन लोग हैं, आपकी टीम के लोग हैं या आप हायर करते हैं पकाने के लिए? जी, ये हमने टीम हायर की हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम देख सकते हैं इधर इमरान भाई हैं हमारे, ये कुक हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा अरेंज कर रहे हैं सहरी और अफ्तारी का। ये जो सहरी करने आते हैं ये लोग कौन लोग होते हैं, ये मजदूर तबका है, राहगीर है, और आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, एक तो अभी हम ये लाल पुल पर हैं, आपने बताया अंदर गली में है, फिर आगे हरबंसपुरा में है, और फिर आपने बताया ये गाज़ियाबाद में है, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं सड़कों पे बिछाए जा रहे हैं इस तरह दस्तरखान? मेरा भाई, दोनों चीज़ें चल रही हैं, ऐसे दस्तरखान भी बिछ रहे हैं, और घर हर घर में जाकर यानी कि गली मोहल्लों में बाकायदा लाउड स्पीकर पर ऐलानात होते हैं, और उसके ज़रिए जिसको ज़रूरत होती है वो अपने दरवाजे से बाहर आ जाता है। सहरी का जो जितना भी खाना तैयार करवाते हैं कितने लोगों के लिए तैयार करवाते हैं, कितनी देगे पतीले, कितना बड़ा होता है? जी प्यारे भाई, इसके ना भी हम थोड़ी देर बाद मीटिंग करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, अब जो खाना आज का तकसीम हुआ है वो 5500 लोगों का हुआ है, और अब थोड़ी देर बाद हम मीटिंग करेंगे जिसमें मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं, एक राहगीर आ जाता है, वो आता है पूछता है यार कल क्या मुझे मिलेगा, हम उसे साथ साथ नोट करते हैं, वो हमारी डायरी में महफूज हो जाता है, अब जो हम अपने किचन वाले भाइयों को डिमांड देंगे वो जो आज की डिमांड इकट्ठी हुई होगी उन्हें कहेंगे कि आपने कल जो खाना पकाना है वो 6,000 अफराद का पकाना है या 7,000 अफराद का या इतना ही रखना है 5,500 अफराद का, ये हम सारा मीटिंग करते हैं। ये 5,500 जो आपने बताया ये इस इलाके का जहाँ पे हम खड़े हैं अभी? जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर 5,500 है। ठीक है, तो बाकी इलाकों का मिला के लाहौर में आपका जो ग्रुप है एस्टिमेटेड कितने अफराद की सहरी करवाते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें 1,22,000 के करीब जो फिगर हमारा टोटल मीटिंग में जो आया ना वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बार ही रहा। सही है, इस पे खर्चा कितना आता है, खर्चा पूरा कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं जो खर्चा आता है? प्यारे भाई, ये तो हम ना देखिए अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियत दी है ना, एक है कि मेरी पॉकेट में क्या है, ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है ज़बान की, हम वो ज़बान ही इस्तेमाल कर रहे हैं जाकर। देखे अल्लाह की तौफीक के साथ हमारी जो ज़िंदगी है ये सियासी, ये 3-4 माह की है,
हमारा तो पैगाम उनके लिए है कि जो हमसे पहले सियासत में मौजूद है वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। अगर ये हम मैनेज कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो इससे बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम ज़बान का इस्तेमाल करके ही अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो ये भाई हैं ट्रस्ट कर रहे हैं और वो अपनी डोनेशन दे रहे हैं और ये काम चल रहा है सारा। आप अपने बारे में भी बता दें, आप क्या काम करते हैं, आपके जो सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं और ख़र्चा भी तो बताएं ना, 1,22,000 का खर्चा कितना आता है? प्यारे भाई देखें, मैं बेसिकली तो टेलर मास्टर हूँ, ठीक है, आसफ टेलर के नाम से मेरी शॉपें हैं इधर ही मोहलपुर में ही हैं, और ऐसे मुख्तलिफ भाई है सब अपने काम करते हैं, कोई टेलर है, हाँ मेहनत तबका है सारा, कोई दफातर में होता है, कोई समझ सुई गैस के महकमे में है, कोई रेडी लगाता है, ये सारी टीम है। आज जिधर हम खड़े हैं, आज के खाने का जो हमारा टोटल जो रकम बनी है ना वो 2,75,000 रुपया बना है टोटल आज के खाने का। और पूरे लाहौर की 1,22,000 की, उसका तो मेरा भाई टोटल फिगर तो हिसाब करें तो फिर आ जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ मेन्यू होते हैं, मुख्तलिफ कोई दाल पका रहा है, कोई घिया गोश्त डाल रहा है, कोई जैसे इधर आलू अंडा है, ऐसे मुख्तलिफ मेन्यू होते हैं, उस हिसाब से वो मैनेज होता है। ये तो एक ग्रैंड किचन है ना जिसे हम मैनेज कर रहे हैं, इसके अलावा छोटे छोटे किचन हैं, जैसे मैं कल गाज़ियाबाद गया हुआ था अपनी एजेंसी में, उधर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7 घराने हैं जो मुख्तलिफ घरों में कोई हमारी ये आपा जी कोई 70 रोटियाँ पका रही है, कोई 50 पका रही है, कोई 20 पका रही है, जितनी हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है, और ऐसे ही उधर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जगह पर सालन पकता है, वो अपनी पॉकेट से ही सिर्फ ज़बान इस्तेमाल की है, उसके तहत ये सारा मामला चल रहा है। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं तमाम पॉइंट्स पे आगाज़ किस टाइम करते हैं और कब तक ये सहरी चलती है? प्यारे भाई ये 2:30 बजे के करीब शुरू हो जाता है, और जब तक हमारा सालन वगैरह रोटी वगैरह चलती रहे अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहता है। अगर बिलफर्ज आज हम अगर जल्दी फारग हो गए हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार कल के लिए हमें सालन रोटी बनानी पड़ेगी, उसे फिर उस तरह मैनेज करते हैं। जो लोग यहाँ बैठ के खाते हैं उनको भी घर लेके जाने की इजाज़त है? जी बिल्कुल मेरा भाई, हमें तो खालस हिंदू साहब ने ना पैगाम पास किया है कि भाई आपने ये नहीं देखना कि एक बंदा आया उसने ये नहीं, उसने अगर कह दिया ना मुझे 50 रोटी चाहिए तो आपने देनी है, आपने देनी, ये पाबंदी नहीं कि भी आप अकेले आए हो तो आपको सिर्फ 2 रोटियाँ मिलेंगी, मुमकिन है वो उसके पीछे उसका कुनपा है, उसके घर वाले हैं, उसके अफराद हैं, वो उनके लिए आया हो, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है।